लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जे आपण हे एक्सपेरिमेंट केला, एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर वी हॅव गॉट येस द टेबल, वी हॅव कम्प्लिटेड द टेबल. टाइम घेतला 1 पासून ते 30 मिनिटं आपण घेतला आणि प्रत्येक मिनिटाला आपण काय केलं, रीडिंग्स घेतलं. रीडिंग्स घेतल्यानंतर आपल्याला हा टेबल कम्प्लीट करायचा आहे, राईट. सो ये टेबल कम्प्लीट करने के लिए आपको ये वाला ग्राफ चाहिए. तो ये ग्राफ के लिए यू विल यूज़ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टेबल, ओके. एंड ये जो दो ग्राफ है उसके लिए आप सेकेंड टेबल यूज़ करोगे, सेकेंड टेबल. और इसके लिए भी आप यूज़ करोगे सेकेंड टेबल, ओके. तो अभी पहले तो ये निकालना है आपको. अभी ये कैसे निकालोगे, एक्स एक्सिस के ऊपर कौन है टाइम और वाई एक्सिस के ऊपर कौन है टेम्परेचर है ना. तो अभी देखो यहाँ पे ये ग्राफ हमने निकाला है. अभी ये ग्राफ से हम लोग कौन सा वाला मेथड निकालेंगे, मिरर मेथड निकालेंगे, ओके. तो मिरर मेथड मतलब क्या, आपको ये पूरे सारे 30 to 30 पॉइंट्स आपको क्या करना है, प्लॉट करना है. अभी यहाँ पे हमने क्या लिया, 3 का टेबल लिया, पूरा यहाँ से 3 का टेबल लिया 72 तक. और यहाँ से हमने क्या किया, 2 से लेके 32 तक हमने टाइम फिक्स किया, राइट. तो सब के अंदर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 2-2 मिनट्स का डिफरेंस लिया, यहाँ पे क्या है 3-3 मिनट्स का. इसीलिए आपका स्केल अच्छे से यहाँ पे लिखने को आया. हाँ, यू कैन नॉट स्टार्ट विथ एनी ऑफ द नंबर, ठीक है. आता इधर क्या येणार, येस, व्हाट यू हैव टू राइट योर टाइम इन मिनट्स, राइट. और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस विच इज कॉल्ड एज थीटा, राइट. आता इथे आपल्याला काय करायचं, यू हॅव टू सिलेक्ट वन, ऐसे 5 पॉइंट आपको सिलेक्ट करने हैं इसके ऊपर, ठीक है. ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आए देखो. तो हम लोग क्या कह रहे, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस लेके हम लोग पॉइंट सिलेक्ट करें. तो कहिए देखो, ये वाला पॉइंट आ रहा है इस लाइन के ऊपर, जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है कर्व, ये है हमारा थीटा वन, ओके. तो ये हो गया हमारा थीटा वन, ये वाला पॉइंट. ये हम लोग ले सकते हैं थीटा टू, ठीक है. थोड़ा थोड़ा दूर आपको कंसीडर करना है. ये है आपका थीटा थ्री, 5 पॉइंट कंसीडर करो. तो ये भी तो है पॉइंट, ये हो गया आपका थीटा नंबर 4, राइट. और यहाँ पे है थीटा 5. तो ऐसे 5 पॉइंट सिलेक्ट हो गए. तो ये कौन से 5 पॉइंट है आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है. तो हम लोग देखेंगे कौन से. अभी इसका अगर देखा जाए तो ये कितना है, ये 66 है ना. और ये 60 कितना हो गया, अभी एक लाइन की कीमत हो गई आपकी 3, है ना. तो ये कितना हो गया आपका, यस, 68, राइट. सो ये हो गया आपका 68. तो आप यहाँ पे 68 लिखो. ये है आपका 63, तो ये है आपका 63. तो यहाँ पे आपको लिखना है 63, ठीक है. और हमारा तीसरा पॉइंट कितना है, यस, 57 है ना. और ये कितना है, 60. तो 57 और 60 के बीच में है, मतलब ये कितना हो गया, ऑलमोस्ट कितना है, यस, 59 है. तो ये 59 हो गया. और हमारा चौथा वाला पॉइंट कितना है, 57 है. और हमारा फिफ्थ पॉइंट कौन सा है, 54. मतलब हमको ये थीटा मिल गया. थीटा मिलने के बाद आपको देखो, ये कैलकुलेशन तुरंत कर लो, ये भी कॉलम कंप्लीट हो जाएगा. ये थीटा है माइनस थीटा नॉट, माइनस थीटा नॉट मतलब ये है, हमारा रूम टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री था. तो इसमें से आप 25 माइनस करो, मतलब 68 माइनस 25, वॉट एवर द आंसर इज यू राइट. हाँ, तो यहाँ पे 63 माइनस 25, ऐसे आप करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर. तो ये हो गया कंप्लीट. इसके बाद आपको क्या करना है, d θ/dt. ये जो है, इट इज नथिंग बट इट इज द स्लोप, ओके. डी थीटा मतलब ये y एक्सिस हो गया, और dt मतलब ये x एक्सिस हो गया, y अपॉन x, ओके. तो अभी हम लोग स्लोप निकालेंगे. इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे देखो, ओके. ये जो कर्व है, ये 5 पॉइंट जो कंसिडर किए हैं, इसके ऊपर ये वाली मिरर की आपको एज आपको ऐसे रखना है, ओके. जो पॉइंट सिलेक्ट करना है वो आप ऐसे सिलेक्ट करोगे, ओके, ओके. अभी जब आप ये सिलेक्ट कर रहे हो, जब आप ये सिलेक्ट कर रहे हो, हाँ, आपको ये मिरर ऐसे एडजस्ट करना है, अंदर से बाहर तक आपको एक ही कर्व ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है. अगर मैंने ऐसे किया तो ऐसे करने के बाद देखो वी शेप आ रहा है, हमको वी शेप नहीं चाहिए, हमको कैसे चाहिए, थोड़ा कर्व चाहिए. तो देखो ये कर्व आ गया, और जब ये कर्व अच्छे से बनेगा अंदर से बाहर तक, तो आपको क्या करना है, इस एज के हेल्प लेके आपको एक ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करना है. तो ये क्या हो गया, नॉर्मल. ये पहली नॉर्मल हो गई, ये हो गई हमारी
दूसरी नॉर्मल, थर्ड पॉइंट जो सिलेक्ट किया उसके ऊपर रखो, ये हो गया हमारा थर्ड वाला, ये हो गया हमारा फोर्थ वाला, ये हो गया हमारा फिफ्थ वाला। तो ये हमने नॉर्मल निकाल दिए, एक साथ ही सारे नॉर्मल ऐसे निकाल दो। ओके हो गया। अभी अभी ये होने के बाद आपको क्या करना है, ये कर्व है इसीलिए इसको क्या निकालना पड़ेगा, टेंजेंट। तो टेंजेंट आपको कितना निकालना है, एक अबाउट 1 to 1.5 सेंटीमीटर निकालो, ठीक है। यहाँ पे भी सब जगह पे आपको क्या करना है, ऐसे नॉर्मल निकालो, ठीक है, ऐसे नॉर्मल निकालो, नॉर्मल नहीं सॉरी टेंजेंट निकालना है। तो जहाँ पे हमारा कर्व है उसको हमको क्या निकालना है, यस टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट। ओके और इस टेंजेंट के ऊपर आपको बनाना है स्लोप। अभी स्लोप भी आप कैसे बनाओगे, अबाउट 1 सेंटीमीटर बनाओ, ठीक है। तो आप ऐसे स्लोप बनाओ, ओके टेंजेंट के हेल्प से आपको ऐसे स्लोप बनाना है, जहां पे टेंजेंट है उसी के ऊपर आपको ये ऐसे ट्रायंगल बनाओ। ये हमारे स्लोप निकले। अभी आपको इसका कैलकुलेशन करना है। अभी इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे देखो, एक कैलकुलेशन में दिखाती हूँ आपको कैसे करना है, बाकी क्या आप लोग करो। फॉर थीटा वन, हमारा थीटा वन कितना था, 68 था, है ना। तो 68 थीटा के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप, राइट। सो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, राइट। तो ये y हमने y में लिया था थीटा और यहाँ पे लिया था t, तो ये डिफरेंस है, तो हम लोग डी थीटा बाय dt निकलेगा, ठीक है। तो अभी y2 देखो, अगर y2 देखा जाए तो यहाँ पे देखो ये y एक्सिस है, राइट, दिख रहा है ये, जूम करो देखो, y2 मतलब ये हो गया हमारा y2, ये 69 के आगे गया तो ये कितना हो गया, 70 के आसपास हो गया, है ना। तो 70, y2 हमारा निकला 70 माइनस 66 है, ओके ठीक है, 66 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये हमारा 0 है x1 और x2 हमारा कितना है, 2 है शायद, ये देखो यहाँ पे 2 लिखा, ओके तो हमने क्या निकालना है, 2 माइनस 0, माइनस करने के बाद कितना निकला, 4 डिवाइडेड बाय 2, कितना आया 2, हमारा आंसर कितना निकला स्लोप 2। वैसे ही आप ये थीटा 2 के लिए करो, थीटा 3, थीटा 4 एंड थीटा 5 के लिए करो, ठीक है, ये स्लोप सारे निकालो। और ये जो स्लोप निकला 2, ये आपको कहाँ पे लिखना है, यस ये टेबल में आपको लिखना है, ये हमारा पहला वाला क्या आया 2। वैसे बाकी के सब करो, टेबल कंप्लीट हो गया। टेबल कंप्लीट होने के बाद आपको ये करना है, और ये यहाँ पे कौन लिया, थीटा मतलब पहला कॉलम, ये कौन लिया, डी थीटा बाय डी मतलब सेकंड कॉलम लिया, हाँ। ये जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो यहाँ से बीच में से ही उन्होंने स्टार्ट किया, मिड पॉइंट से नहीं किया, ओरिजिन से क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ग्राफ आपको दिखाता है दैट आपका जो ये जो सारे रीडिंग्स है आपने 25 से आगे लिया है, ओके तो ये 25 से ही चालू होना चाहिए, दिस शुड स्टार्ट फ्रॉम रूम टेम्परेचर, आर यू गेटिंग। हमारा रूम टेम्परेचर कितना था, 25, तो सारे लाइन सारे प्लॉट्स करने के बाद आपको ये 25 से ही चालू करना है, आर यू गेटिंग। ये हो गया, और ये तो नॉर्मल ग्राफ है जो आपका ओरिजिन से निकले, लेकिन यहाँ पे कौन सा वाला कॉलम लेना है, थर्ड वाला कॉलम लेना है, थीटा माइनस थीटा नॉट, ओके और ये वाला कॉलम, क्लियर है सबको, हाँ। तो ये तीन ग्राफ मुझे चाहिए, क्लियर।